पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इस बार 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में अच्छे अंक लेकर ये साबित कर दिखाया है कि सरकारी स्कूल भी उच्च शिक्षा के साथ निजी स्कूलों को मात दे सकते हैं। वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आए 10वीं और 12वीं के कम परीक्षा परिणाम शिक्षा विभाग और सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। इसके साथ ही इन परीक्षा परिणामों ने स्कूलों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब परिणामों को किस तरह से बेहतर बनाया जाए उसके लिए मंथन शुरू हो चुका है। बता दें कि प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर गंभीरता दिखाई गई। परिणामों की घोषणा के साथ ही नोटिस जारी किया गया कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 60% से कम है उनकी सूची तैयार की जाए तथा उपचारात्मक तौर पर परिणाम सुधारने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए। विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों से परीक्षा परिणामों की सूची मंगवाई गई है। बता दें कि सूची न भेजने वाले स्कूलों को भी सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। शिक्षा विभाग की माने तो अब स्कूलों के शिक्षकों को नई तकनीकी का ज्ञान दिया जाएगा। शिक्षक इस नई तकनीक को अपनाकर आगामी परीक्षा परिणामों में स्कूल का रिजल्ट सुधार सकेंगे। इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाते हुए परीक्षा परिणाम सुधारने की कवायद भी तेज कर दी गई है और इसी कड़ी का हिस्सा है कि कमतर परीक्षा परिणाम लाने वाले अध्यापकों को अब प्रशिक्षण दिया जाएगा। बकायदा डाइट यानी जिला शिक्षा एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कम परिणाम आने के कारणों, शिक्षण पद्धतियों तथा तकनीकों पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। परिणाम सुधारने के लिए आवश्यक कदम भी शिक्षा विभाग द्वारा उठाए जाएंगे। इस बारे में अध्यापकों का कहना है कि प्रशिक्षण शिविरों में परिणामों को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर चर्चा होगी। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह के अनुसार परिणामों को सुधारने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में डीईओ कुलदीप एवं अध्यापक राजपाल एवं राजेंद्र ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। सीआरटी से पत्र प्राप्त हुआ है कि जिन पीजीटीज का रिजल्ट 60% से नीचे है उनको उनसे उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो ताकि रिजल्ट में सुधार हो। उनको अपडेट किया जाएगा, नई मेथोडोलॉजी सिखाई जाएगी ताकि बच्चों को इसका डायरेक्ट फायदा और रिजल्ट में इजाफा हो। ट्रेनिंग है कितने दिन की होगी? 6-6 दिन की ट्रेनिंग है तो इसके लिए शेड्यूल आ जाएगा। जो ही सूचना SCERT पहुँचेगी तो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो इससे उम्मीद है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट सुधरेगा और लेक्चर्स अपडेट होंगे। ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग एक ज़रूरी हिस्सा है टीचर्स के लिए। उसमें नई नई जो मेथोडोलॉजी आई है उनसे रूबरू करवाया जाता है उनको, इसका डायरेक्ट फायदा फिर विद्यार्थियों को होता है। हाँ सर, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग एज पर SCERT मोस्ट प्रोबेबली डाइट पर ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत 60% से कम आने वाले शिक्षकों का एक आपस में प्रशिक्षण होगा, जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि हमारा विद्यालय का परिणाम कम कैसे रहा। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो विभाग द्वारा पहल है ये एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे परीक्षा परिणाम में लेकर के आएगा, क्योंकि इससे हमें आपस में डिस्कशन करने का मौका मिलेगा कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके अंतर्गत हमारा रिजल्ट कम रहा। इससे अन्य बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए और शिक्षा विभाग के लिए ये एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रहेगा इसमें, तथा इससे बच्चों का आने वाला जो शैक्षणिक स्तर है उसमें जो रिजल्ट की परफॉर्मेंस है वो बेटर रहने की संभावना है। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पे वैसे भी पहल की जाती है कि किसी प्रकार से शिक्षा का स्तर स्कूलों में सुधरे। वैसे क्वालिफाइड टीचर हैं, सही है, कोई ज़्यादा सी दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी कारण से भी अगर रिजल्ट कम होता है और शिक्षा विभाग ऐसी पहल करता है तो उसका स्वागत है। ऐसा मंथन होना चाहिए, ऐसी इस तरह की जो अपडेट जो है विभाग द्वारा की जाती है बहुत बढ़िया है, और ये बच्चों के भी और अध्यापकों के भी स्कूलों के लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।